अस्सलाम वालेकुम व आदाब नाजरीन। जैसे कि आपको मालूम है कि जब 2020 में जून में गलवान हुआ था, जो कि लद्दाख में इंडियन फोर्सेस और चाइनीज़ फोर्सेस के बीच जो एक क्लैश हुआ था, जिसमें हमारे कुछ जवान जो है वो शहीद हुए थे, उसके बावजूद भी जो है वो चाइना जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, जबकि चाइना को गलवान में काफ़ी नुकसान हुआ था, जिस नुकसान की डिटेल्स अभी तक जो है वो पूरी तरह सामने नहीं आई है, जबकि बताया गया है कि दर्जनों सैनिक जो है वो चाइना के जो है वो उस क्लेश में जो है वो मारे गए थे। अगर चाइना और भारत की हम अपने देश की बात करें तो दो जगह जो दो महत्वपूर्ण एरियाज हैं जहाँ पर भारत और चाइना की जो है वो हमेशा बॉर्डर्स पर जो है वो एक तरह से लड़ाई लगी है पिछले कई सालों से। तकरीबन ये जो मसले हैं वो 70 सालों से है और अनडिफाइंड बाउंड्रीज होने की वजह से जो है वो अक्सर चीनी और भारतीय फौज जो हमारे जवान हैं वो आपस में लड़ते हैं। चंद दिनों पहले जो है वो अरुणाचल प्रदेश से जो है वो खबर आई कि जो तवांग एरिया है वहाँ पर जो है वो हमारी भारतीय सेना और चाइनीज ट्रूप्स के बीच जो है वो 9 दिसंबर को जो है वो एक क्लैश हुआ था, जिसमें हमारे 9 सैनिक जो है वो जख्मी हुए थे, जबकि चाइना के भी कई सैनिक जो है उसमें जख्मी हुए हैं या मारे गए हैं। अभी तक उसके बारे में जो है वो कोई डिटेल सामने नहीं आई। अलबत्ता इतना ज़रूर है कि जो हमारी सेना है उन्होंने जो चाइनीज सेना है उसको अच्छा सबक जो है वो तवांग एरिया जो अरुणाचल प्रदेश का जो है वो वहाँ पर जो है वो सिखाया है। ये तवांग एरिया जो अरुणाचल के चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू उनकी कनिष्ठ चुनसी में पड़ता है और इसको लेकर जो है वो अपोजिशन पार्टीज और सरकार की तरफ से जो है वो काफ़ी स्टेटमेंट्स आई। यहाँ तक भी बात हुई कि पार्लियामेंट में इस पर डिस्कस किया जाए, जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने इस पर स्टेटमेंट दिया और होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने ये कहा कि जब तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है तब तक जो है वो एक भी इंच के साथ जो है वो भारतीय जमीन को जो है वो कम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, जैसा कि कांग्रेस की सरकार जो है पहले करती आ रही है। ये जो गलवान वैली का मसला है, यहाँ अब तवांग में जो क्लैशेस की बात आई है, ये जो है वो नई बातें नहीं है, इसके जो है वो आपस में लिंक्ड है। और जो ये लेटेस्ट कन्फ्रंटेशन जो चाइना की है वो अरुणाचल प्रदेश में जो है वो 2000 किलोमीटर जो नए नेशनल हाईवे जो बॉर्डर एरिया पे बन रहे हैं उसको लेकर है। इसके पीछे कहीं ना कहीं उस हाईवे का जो है वो एक रोल है, क्योंकि जो चाइना है वो अरुणाचल प्रदेश को जो है वो अपना एरिया मानता है। जो चाइना की एक्सपेंशन पॉलिसी है उसमें अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और ताइवान जैसे इलाकों पर जो है वो चीन की नज़र है, जिसकी वजह से जो है वो चीन इन एरियाज में जो है मिलिट्री बिल्डअप भी कर रहा है, हथियार भी जमा कर रहा है और सड़कें भी बना रहा है और ट्रेनें भी पहुँचा रहा है, जो कि एक डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस के पॉइंट है। लेकिन हमारी साइड से जो है वो अभी 70 साल के बावजूद भी जब से चाइना के साथ कन्फेडरेशन शुरू हुई अभी तक जो है वो हमारे बॉर्डर एरियाज में जो है वो फुली इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मौजूद नहीं है, ताकि जब 1962 जैसे हालात हो जाए तो हम जो है वो ट्रूप्स जो है वो रशअप कर पाए वहाँ पर। मैं आपका ध्यान जो है वो इस चीज़ की तरफ दिलाऊंगा कि जब गलवान का जो मसला हुआ तो उसके बाद भारत ने जो हमारी सरकार है उसने जो है वो कई कदम उठाए और कई रोड्स जो है वो उस एरिया में जो है बने हैं या बनने जा रहे हैं, जो स्ट्रेटेजिक पुल्स हैं उनको कंप्लीट किया गया। जबकि आपको याद होगा किश्तवाड़ एयरपोर्ट बन रहा है, पाटन से जो है वो लद्दाख की तरफ जो है वो रास्ता बन रहा है। ये सिर्फ इसलिए बनाया जा रहा है कि मल्टीपल सड़कों से जो है वो एसेस हो जाए लद्दाख को, जो कि एक फ्लैश पॉइंट है चाइना और पाकिस्तान की तरफ से, जो है वो अक्सर इस एरिया में जो है वो चाइना की तरफ से घुसपैठ होते हैं। और आपको याद होगा कि गलवान के बाद अभी भी जो है कुछ इंडिपेंडेंट खबरें आ रही हैं कि हमारी जमीन पर जो है वो चाइना के फौज का जो है वो अभी भी जो है वो कब्जा है। मैं आपका जो ध्यान दिला रहा था, जो ये 2000 किलोमीटर का जो हाईवे बनने जा रहा है अरुणाचल प्रदेश में, ये खबर जो है वो इसके रिलेटेड जो है वो द प्रिंट जो है वेबसाइट जो है उन्होंने 26 नवंबर को जो है वो एक डिटेल स्टोरी इस पर की थी कि किस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार का जो ये प्रोजेक्ट है जो फ्रंटियर हाईवे के नाम से जाना जाता है और एक इंडिया का जो है वो सबसे टफेस्ट प्रोजेक्ट जो है वो रोड का आज तक है, और इसका जो जो रोड प्रोजेक्ट बन रहा है 2000 किलोमीटर का जो ये हाईवे बनेगा, ये जो है चाइना को मद्देनजर रखते हुए ही जो है वो भारत सरकार ने इस प्रोजेक्ट को जो है वो हरी झंडी दी है।
आपने अक्सर जो है वो मैकमोन लाइन का सुना होगा. मैकमोन लाइन वो एक बॉर्डर की जो डिमार्केशन है, जो एक टेम्परेरी डिमार्केशन है, जो भारत और चाइना के बीच में जो है वो एक बाउंड्री जो है उसको जो है वो डिवाइड करती है, जो अभी परमानेंट नहीं है, क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच जो है वो कई मीटिंगें हुई हैं, लेकिन जो बॉर्डर डिस्प्यूट को जो मार्किंग है वो अभी तक जो है वो नहीं हो पाई है. इसलिए जो है वो अरुणाचल प्रदेश को या लद्दाख में जो है वो चाइना अक्सर जो है वो घुसपैठ जो है वो भारतीय एरिया में जो है वो करता है. ये जो है स्टोरी जो है वो वरिष्ठ जो पत्रकार है डिफेंस के स्नेश एलेक्स फिलिप की जो है वो स्टोरी है. मैं बता दूं कि जैसे कि मैंने बताया कि 70 साल की वजह से जो है वो अरुणाचल का जो फ्रंटियर हाईवे है वो जो है कंट्री का एक बिगेस्ट और टफेस्ट प्रोजेक्ट है, उस पर जो है वो काम चल रहा है और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज जो है वो इसको लेकर जो है वो काफ़ी गंभीर है और उसने जो है वो ये टाइमलाइन नहीं दी है कि ये कब तक जो है वो प्रोजेक्ट पूरा होगा, लेकिन गवर्नमेंट की कोशिश है कि जितनी भी जल्दी है ये प्रोजेक्ट जो है वो पूरा हो जाएगा. मैं आपको एक बात बता दूँ कि जो ये ग्राफिक्स जो है, मैं बता दूँ कि जो ये रास्ता जो है ये तिब्बत और भूटान के साथ होते हुए जो है वो निकलेगा और मैं बता दूं कि ये जो है वो रास्ता जो है वो जो अपर सुबानशिरी एरिया है, जो अपर सुबानशिरी एरिया है अरुणाचल प्रदेश का, वहाँ से होते हुए फिर ये वेस्ट सांग जाएगा, टूटिंग जाएगा, अपर सांग जाएगा, दिबांग वैली जाएगा, डेसेली जाएगा, ये चगला आलम है, ये काफ़ी नाम जो है वो डोंग है, हवी है, इसी तरह से जो है विजयनगर है, ये काफ़ी जो एरिया जो है वो वहाँ से जो है वो होते हुए 2000 किलोमीटर वर्ग का जो ये रास्ता बनेगा. वो इस रास्ते के बनने के बाद जो है वो अरुणाचल प्रदेश में जो है वो 3 इम्पॉर्टेंट हाईवे जो है वो बनेंगे जो आपस में जुड़े होंगे, ताकि जब भी किसी भी ट्रूप्स की मूवमेंट करनी होगी या बॉर्डर एरिया की तरफ जाना होगा तो आसान जो है वो रहेगा. जैसा कि मैंने मैकमोन लाइन का जो है वो जिक्र किया है और जो ये तमांग एरिया है जहाँ से क्लेशेस की जो है वो नई इन्फॉर्मेशन आई है, ये वहाँ से भी जो है ये रास्ता गुजर रहा है और ये जो है म्यांमार बॉर्डर के पास से भी जो है वो निकलेगा, क्योंकि जो 3 कंट्रीज है, तिब्बत है, आप भूटान देखिए और साथ में आप देखिए म्यांमार जो है वो, वहाँ से होते हुए जो है ये रोड प्रोजेक्ट जाएगा. जबकि मैं बता दूँ आपको कि जो द फ्रंटियर हाईवे जो बनने जा रहा है और इसके अलावा जो है ट्रांस अरुणाचल हाईवे और ईस्ट वेस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हाईवे, ये जो 3 हाईवे जैसे मैंने आपको बताया ये बनने जा रहे हैं और इसकी जो टोटल लेंथ जो है वो 2178 किलोमीटर है और ये 6 वर्टिकल और डायगोनल इंटरनल कॉरिडोर्स बनेंगे जो कि फास्ट जो फास्ट एसेस जो है वो बॉर्डर एरियाज में बनाएंगे और उनको जो है वो स्पीडी लेवल पर जो है वो कंप्लीट किया जाएगा, जो कि गवर्नमेंट सोर्सेज ने जो है वो बताया है. अगर मैं देखूं कि जो चाइना जो है वो इस रास्ते को लेकर जो है वो अक्सर ऑब्जेक्शन जो है वो रेज करता है, जबकि 2014 में भी जो है वो उन्होंने इसको लेकर जो है वो ऑब्जेक्शन की थी, लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने और जो रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है उन्होंने ये डिसाइड किया है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो बिल्कुल अब जाएगा, अपनी हदों तक जो है वो जाएगा और पूरा करेगा. मैं बता दूँ कि जो चाइनीज भारत मिनिस्ट्री के स्पोक्समैन थे होंग ली ने जो है वो कहा था कि जो ये प्रोजेक्ट है वो जो है वो इलीगल है, जबकि हम एज ए भारत जो है वो इस बात का जो है वो राइट रखते हैं कि हम अपने एरियाज में जो है वो रोड कंस्ट्रक्शन करें और खास तौर पर बॉर्डर एरियाज में, जबकि चाइना पर जो है वो भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब 1962 से लेकर अब तक जो है वो तकरीबन 60 साल गुजर चुके हैं, जबकि जो चाइना है उससे हम धोखा खा चुके हैं 1962 में. आज जो है वो भारत कई आगे जो है वो तरक्की कर चुका है, अब हमारे पास इंडिजिनस जो है वो हथियार है, सिस्टम है, और जो चाइना को जो है वो वक्त आने पर जो है वो काउंटर किया जाएगा और उसको जो है वो बख्शा नहीं जाएगा, जैसे कि डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर जो है वो अक्सर इस बारे में जो है वो कह रहे हैं. कि जो इसके अलावा जो है वो मैं बता दूँ कि नॉर्थ ईस्ट की जो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में भी जो है वो फास्ट ट्रैक वर्क चल रहा है, जिसमें नंबर ऑफ ब्रिजेस जो है वो बनाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो हैवी इक्विपमेंट जो है वो ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे, टनल्स बनाई जा रही है, हाईवे बनाए जा रहे हैं, फीडर जो फीडिंग रोड्स हैं वो बनाए जा रहे हैं, जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक जो है वो पूरा जाएंगे. इसके अलावा जो है वो जो
भारत सरकार में है, इसमें जो है वो तकरीबन 44,000 करोड़ रुपए का जो है वो इनिशियल स्टेज में जो है वो बजट रखा है, जबकि इस पर जो है वो टोटल 1.6 लाख करोड़ रुपए जो है वो सेंटर ने जो है वो अनाउंसमेंट की है कि इस पर तकरीबन खर्चा आएगा। इस पर जो है वो जैसे कि मैं पहले ही बताया था कि जो प्रेमा खांडू है उन्होंने भी जो है वो इसको लेकर जो है वो टिप्पणियाँ की और कहा है कि 1962 नहीं है, अब हिस्ट्री जो है वो रिपीट नहीं की जाएगी, जो 1962 में हुआ था वो अब जो है वो दोहराया नहीं जाएगा, जो गलतियाँ, हालांकि उन्होंने जो है वो कांग्रेस पर सीधा सीधा निशाना जो है वो साधा है और प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू पर जो है वो निशाना साधा है कि उनकी गलती की और साफ पॉलिसी जो है वो चाइना की तरफ जो है वो उसी वजह से जो है वो जो 62 में हुआ था, जो भारत को जो चीन की तरफ से धोखा लगा था वो जो है वो उसी की वजह से जो है वो हुआ था। इसमें मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने पहले ही बताया कि मिलिट्री इक्विपमेंट्स में जो है वो काफी जंप हुआ है, जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, हमारे पास अब रफाल है, S-400 है, काफी जो है वो हमारे पास सिस्टम है, ब्रह्मोस मिसाइल है, अग्नि मिसाइल है, हमारे पास जो है वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज भी है। अगर वैसी भी नौबत आए कि अगर कल को चाइना जो है वो किसी तरह की अग्रेशन करता है तो उसको जो है वो पूरी तरह से जो है वो जवाब दिया जाएगा। जैसे कि मैं बता दूं कि द आर्म फोर्स विल गेट देयर फर्स्ट मेजर बूस्ट जब 2.35 किलोमीटर रान सीला टनल जब बनेगी, जिसको जो है काम जो है वो जारी है और ये जो है वो 13,000 फीट पर जो है वो मौजूद है और इसकी इनाग्रेशन जो है वो जनवरी 2023 में जो है होना जो है अभी तक तय पाया है और तब तक जो है ये जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। और जो तमाम यहाँ पर इस वक्त क्लैशेज जो 9 दिसंबर को रिपोर्ट हुए थे, हालांकि चाइना का जो ऑफिशियल मीडिया है गवर्नमेंट का, उन्होंने इनकार किया कि उनके पास इस तरह की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इस बात को कन्फर्म किया है कि वहाँ पर क्लैशेज हुए हैं और जो तवांग है जब ये टनल बनेगी उसकी वजह से जो है वो तवांग में जो है वो ऑल वेदर एसेस हो जाएगी। इस जो है वो बता दूं मैं, इसके अलावा जो है वो आर्मी एंड सिविल यूज जो सबको यूज कर रही है सड़क, उसको बेली पारा चरी दूर रोड बोलते हैं, जो कि आसाम से होते हुए जो है वो अरुणाचल की तरफ जाती है और सीला पास जो है वो बंद होता है विंटर्स में, इसलिए वहाँ पर पहुँचने के लिए जो है वो हमें काफ़ी मुसीबतें जो है वो झेलनी पड़ती है। जो सीला टनल है ये जो है वो एस्केप टनल भी है इसके साथ, जो कि 1.55 किलोमीटर लॉन्ग है, यानी 1.5 किलोमीटर के करीब है। इसके अलावा इसके साथ एक शार्ट टनल बनेगी जो 980 मीटर होगी और दूसरी जो उसके साथ रोड बनेगी वो 1.2 किलोमीटर होगी। और जो टनल का डिज़ाइन है उसका जो है वो आर्मी इक्विपमेंट्स को जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो लगता है डिज़ाइन उसी के मुताबिक जो है वो बनाया जा गया है, ताकि वहाँ से जो है वो टैंक्स भी जो है वो गुजर सके। जो ये टनल जो है वो इस हिसाब से बनाई गई जहाँ से मिलिट्री इक्विपमेंट जो है वो ट्रांसफर भी हो सके। लेकिन आप सिर्फ एक बात ये देखनी है कि ये जो प्रोजेक्ट है जिस पर कुछ पॉकेट्स में जो है वो काम भी शुरू हुआ है, इस पर कितनी तेजी से जो है वो काम शुरू होता है और ये प्रोजेक्ट कब जो है वो कंप्लीट होंगे, कितने टाइम फ्रेम में होंगे, इसके बारे में जो है वो अभी हम कुछ बता नहीं सकते। लेकिन चाइना जैसी कंट्री के साथ अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैकल करना है और चाइना के साथ अगर आँख से आँख मिलाकर देखना है, तो जो बॉर्डर एरियाज में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, चाहे वो लद्दाख हो, अरुणाचल प्रदेश हो, सिक्किम हो, या जो बाकी जो रियासतें हो, मणिपुर हो, मिजोराम हो, वहाँ पर जो है एक न सिर्फ रोड्स का जो है वो नेटवर्क बनाना है बल्कि एक डिफेंस नेटवर्क भी वहाँ पर बनाने की ज़रूरत है, ताकि जो चाइना की जो जो पीपुल लिब्रेशन आर्मी है उसको जो है वो न सिर्फ मैच किया जा सके बल्कि उसको वक्त आने पर जो है वो उसी की ज़बान में जो है वो जवाब भी दिया जा सके। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।